हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद शेवी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि कोविड का जो वेव है ना वो दोबारा से आ चुका है। फिर से जो पहले वाला डर था ना वो अंदर से फिर से बैठने लगा है और फिर से चीजें लोगों ने करना शुरू कर दी है, कुछ लोगों ने करना शुरू कर दिया। और एज पर जो न्यूज देख रहे हैं, बहुत से लोग मास्क को अभी भी नहीं लगा रहे, सैनिटाइजर नहीं यूज कर रहे हैं। तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ये हम सबकी हेल्थ के लिए ही बोला जा रहा है, किसी और के लिए नहीं बोला जा रहा। तो चलिए, वो तो हर रोज आप सुन ही रहे हैं, तो मेरे से क्या अलग है? जिसको मानना है वो मान रहा है, जिसको नहीं मान रहा वो नहीं मान रहा है। काम करने के लिए नहीं मना करा जा रहा कि बाहर मत निकलो, काम मत करो, बट एटलीस्ट प्रिकॉशंस लो ताकि सेफ्टी साथ में रहे, ताकि आगे भी काम कर पाओ ना, आपका काम हो जाए। तो मिस्टर जो है, आप देख रहे होंगे कि अभी वर्क फ्रॉम होम इनका कुछ टाइम से ऑल्टरनेट डेज पे ऑफिस की तरफ से हो रहा है, कुछ कभी ऑफिस जा रहे हैं, कभी घर से कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रही हूँ, कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रही हूँ। मुझे इंस्टा पे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, तो कुछ में से विक्रम को लगा कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और दिल्ली का भी जो माहौल है उस वजह से उन्होंने कंसर्न दिखाया शिवी के लिए, मेरे लिए, कि कोई कुछ है तो नहीं। तो मैंने पहले बता दिया उनको वहीं पे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती थी, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि वीडियो बनाओ उसके बाद फिर एडिटिंग करने का मन कर ही जाता, फिर लगता है चलो अपलोड भी कर दो वो वाली बात होती है। और इस वीक मिस्टर ने मुझे स्पेशली बोला कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं तो मतलब कुछ नहीं, क्यों नहीं करना बताओ? बर्थडे वीक चल रहा है मैडम, बर्थडे वीक। हैप्पी बर्थडे टू यू। बलून अभी लगे हुए है ना बाहर, अभी बाहर जो बैलून लगे ना वो अभी फुसके नहीं है, उससे काम चला लेंगे। ये कह रहे हैं मैं उसी से काम चला लूंगा, कितने कंजूस हो यार। एक मतलब कह रहे उसको फोड़ना पड़ेगा, बताओ हद हो गई। फोड़ूंगा क्यों? अच्छा एक बात बताओ, उसकी हवा निकाल के दोबारा ऐसे भर दो तो फिर तुम्हारी हवा निकाल के दोबारा भर दो, फिर कितने बेकार है। इट्स गुड नहीं, गुब्बारों की तरह बुरा लगेगा बताओ? अच्छा, क्योंकि हवा निकाले फिर भरे, फिर निकाले फिर भरे, वाइफ को बुरा लगेगा, वो कुछ नहीं है, तभी तो नहीं निकालते। के लिए एक डॉगी मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, जो कि हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब बता दें डॉगी वो जो ना टॉय है, हाँ, डॉगी वो नहीं कि पेट वैसा मंगवा, वैसा वाला फ्लिपकार्ट आजकल वो नहीं भेज रहे नहीं, वो रियल वाला पेट नहीं, मतलब डॉगी वैसा मंगवाया था जो चलता है। एक्चुअली वो हमने ना हैमलेस में देखा था, कहीं पे गए थे हम, वहाँ पे हैमलेस का स्टोर का जो क्वालिटी थी ना बहुत बेस्ट थी, वो चलता था कुटुकू कुटुकू, मतलब ये तो मैं मुर्गी वाला कर रही हूँ, भो 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 वाला चलता था, भो 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 भो, पता नहीं चला डॉगी था या मुर्गी थी। बट आज पता नहीं कैसे शिवी वैसे नॉर्मल डॉगी को देखती तो भागती उनको पकड़ने के लिए, हाँ आज वो उससे डर रही थी जब उसकी अनबॉक्सिंग की। अभी हम रिटर्न कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी भी काफी बेकार है, बेकार मतलब ऊपर कपड़ा पहना दिया, ऐसा लग रहा है उसका जो डॉगी का सॉफ्ट टॉय का जो कपड़ा होता है वो कपड़ा पहना दिया है, अंदर से प्लास्टिक पूरा उसका हिला डुला हुआ लग रहा है। तो उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, और जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ वीडियो में आऊंगी। और मुझे इस सफर में मैं थोड़ा सा गैप तो ले रही हूँ, रेस्ट ले रही हूँ, थोड़ा सा मेरा दिल में यही था कि यार व्यूज तो आ नहीं रहे, वही 250-300 मैक्सिमम पहुंच जा रहे हैं। और ब्लॉगिंग का मतलब आप 2 साल से अगर वर्क कर रहे हो उस जगह पे, आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही तो थोड़ा सा मुझे लगता है अपने माइंड को शांत करने के लिए, इन्होंने भी मुझे बोला थोड़ा सा ले लो ब्रेक, ताकि क्या पता माइंड में कुछ आए, इसलिए ये टाइम पास के लिए भी कह दीजिए, और दूसरा मैं अर्निंग पॉइंट से भी मैंने सोचा था बट उतना सक्सेस नहीं हुआ। और होता है, जरूरी नहीं कि हम जो जैसा सोचे वैसा हमेशा हमें मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी कोई चीज होती है ना हमारे लिए वो बनी नहीं होती, वो चीज नहीं होती, तो आई थिंक ये लाइन मेरे लिए नहीं है परफेक्ट, मैं अभी भी नहीं कह रही, हो सकता है यहाँ पे तो रातों रात लोग फेमस हो जाते हैं, बट मेरा लक इतना अच्छा नहीं है, मैं खुद वो वेट कर रहा हूँ, वो रात नहीं आएगी हमारा लक उतना अच्छा नहीं है। और कंट्रोवर्सी के नाम पे देखा जाए तो मैं उल्टा पुल्टा, या वो जो बोला कि बर्थडे वीक है, एंजॉय करो अपना बर्थडे वीक, और बर्थडे का मेरा वीडियो बनेगा, बर्थडे का वीडियो बनेगा कौन बनाएगा। ये छोटा सा अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को, और जल्दी ही मिलते हैं। बर्थडे मेरा जो है वो 26 नवंबर को है, जिनको मन करे तो विश कर देना, नहीं करे तो कोई बात नहीं, बट मैं तो एंजॉय करूंगी, घर पे ही करूंगी। मिस्टर जो है बर्थडे वीक में, इस बार इन्होंने पूरी वीक में मुझे चाय खुद बनाकर दी है, ये सबसे अच्छी बात है। और जिस दिन मेरा बर्थडे है ना उस दिन इनका ऑफिस है,
वैसे तो वर्क फ्रॉम होम अभी कुछ दिन ऑल्टरनेट डेज पे जैसे हिसाब से चल रहा है, बट जिस दिन मेरा बर्थडे उस दिन इनका वर्क फ्रॉम होम नहीं है, उस दिन ऑफिस में जाएंगे ये, तो उस दिन तो मुझे चाय खुद बना के पीनी पड़ेगी। तो मजे है क्योंकि कुहू केक काटने में सबसे पहले आगे रहती है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, और भूलिएगा मत, कनेक्ट रहिएगा, मन करे तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। यही मत भूलना है, कोरोना घूम रहा है बाहर, मतलब मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, खुद मत शेयर हो जाइएगा।